सारे नेता अनुमन मंत्री अनपढ़ है, क्योंकि पढ़ा लिखा कोई नेता यदि देश का नेता होता तो ये चीज लागू नहीं होने देता कि भाई देश में पहले ये तो देखो सर, जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, 25-25 दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं साहब, 25-25 दिन भाड़े नहीं मिलते, गाड़ियों किस्त निकालना भारी पड़ रही है सर। और उसके बाद में अब देश के अंदर ये नियम और लागू कर दिया सर, क्या ये मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन में पैसा सबसे ज्यादा दिख रहा है क्या? इससे ही अपने देश की डीजीपी बढ़ जाएगी क्या? मैं तो बस देखो सर, एक युवा हूँ, युवा के नाते कह रहा हूँ, ठीक है जी भाऊ जी, मजदूरी कर लूँगा, कोई दूसरा काम कर लूँगा साहब, 3 महीने जहाँ दूसरा काम करा वो काम फिर कर लूँगा, भाई परिवार तो पालना ही है। और मैं नहीं, देश का इतना कितना गरीब बेरोजगार रोज जिनका चलान कटेगा 12,000-15,000 जिनकी सैलरी, 15,000 तक किसी की ज़्यादा सैलरी नहीं साहब। और आपको मैंने दिखा दिया हमारा सोने का और बैठने का कैसा है। मालिक कुछ तो रहम करो, कुछ तो रहम करो हे अन्नदाता। ये तो अंग्रेज जो 1947 में ना जो अंग्रेजों का लगान वसूला जाता था ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा है गरीबों के साथ। क्यों? गरीब का ही बेटा गाड़ी चलाएगा, ट्रक चलाएगा, अमीर का तो चलाएगा नहीं भाऊ जी, जो भी चलाएगा वो गरीब का ही बेटा चलाएगा, अमीर का बेटा चलाएगा नहीं। ये तो 1947 से भी ज़्यादा टैक्स वसूलने वाली बात हो गई जो अंग्रेज वसूलते थे, और काम ईस्ट इंडिया कंपनी जो करवाती थी ना, उससे भी कई लोग गुना ज़्यादा हो गया। कोई भी बेचारा ओला उबर चलाने वाला ड्राइवर से पूछ लो, 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद 400 रुपये नहीं बचते साहब। मैं ओला उबर नहीं चला रहा, मैंने तो छोड़ दी, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि साहब ओला उबर चलाने के बाद ना 18 घंटे काम करने के बाद भी बंदे को 500 रुपये नहीं बचते, और 500 जिसको बचेंगे नहीं, और वो सिटी में कहीं ना कहीं गलती करेगा भाऊ जी, उसके 12,000-15,000 चलान कट जाएगा, कहाँ तक भरेगा? कम से कम कुछ तो रहम करो मालिक। आप ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, माननीय नितिन गडकरी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और अपने अमित शाह जी हैं सर, कम से कम जनता की तरफ तो ध्यान दो। शायद जनता ने ना आपको दिल तक चुन के भेजा था सांसद में, दिल तक चुन के कि मतलब कोई हमारे देश के अच्छे से अच्छे मतलब वो मिलेंगे, लेकिन सर नेता, लेकिन आपने तो सर जी गरीब आदमियों का बिल्कुल, जैसे वो मैंने एक मर्द फिल्म देखी थी उसमें ना गरीबों का पेंशन तक उसे सरंग था ना, मरने के बाद खून खींचते थे वो, सर आपके यहाँ तो खून खींचने में तो ही बेहतर है साहब। 25,000 का चलान, 12,000 की नौकरी, रोटी का दिखाएगा, खेत बेच के भी नहीं गाड़ी चला पाएगा साहब, या कोई मतलब जिसकी गाड़ियां वो भी जिसकी 40,000 की किस्त, 35,000 के भाड़े नहीं मिल रहे, 25,000 का चलान और हो जाए भाऊ जी क्या करेगा वो। जैन दोस्तों ये तो मेरी बात अच्छी लगे तो पूरे देश में शेयर करें और कमेंट करें, नहीं तो भाई जिसको जैसा लगता है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जाए।